एडमिनिस्ट्रेटर है कराची लईक अहमद ने कहा है कि समाजी और फलाही तंजीमें कराची के मसाइल की निशानदेही करें और शहर की खिदमत में अपना हाथ बटाएं। हम मुश्तरक काविशों के जरिए ही बेहतरी ला सकते हैं। समाजी और फलाही इदारों का तआवुन बुनियादी अहमियत का हामिल है। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने कौमी और आलमी सतह पर इंसानियत की खिदमत की बेहतरीन मिसाल कायम की है। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के बहादराबाद में वाके मरकजी दफ्तर के दौरे के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट की फलाही खिदमत को सराहते हुए कहा कि ये इदारा न सिर्फ मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन खिदमत अंजाम दे रहा है बल्कि नई नस्ल को मयारी तालीम और तरबियत की फराहमी और उन्हें हुनरमंद बनाकर अपने पाँव पर खड़ा होने के काबिल भी बना रहा है। उन्होंने पेशकश की कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट कराची के मुख्तलिफ अस्पतालों पार्कों और गरीब बस्तियों में आरओ प्लांट लगाए तो उन्हें इसके लिए जगह फराहम की जाएगी। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची को ब्रीफिंग में बताया गया कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट मुस्तहिक अफराद के लिए योमिया खाने का इंतजाम करने के अलावा सुपर हाईवे पर आईटी टावर भी बना रहा है। जरूरतमंद अफराद को कारोबार के लिए 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का कर्जा फराहम किया जाता है जिसकी 100% रिकवरी सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट को हो रही है। ब्रीफिंग में बताया गया कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के किफालत प्रोग्राम के तहत अब तक 75,000 घराने इमदाद हासिल कर चुके हैं जबकि 3 लाख बच्चे सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के तहत स्कूलों में जेर तालीम है। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट किसी भी हंगामी सूरत हाल में 2 घंटे के अंदर 1.5 लाख अफराद के लिए खाना तैयार करने की सलाहियत रखता है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने कहा कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने मौलाना बशीर अहमद फारूकी की सरबराही में कौमी और आलमी सतह पर नाम पैदा किया है और मोहताज अफराद के लिए पूरे मुल्क में उम्मीद की किरण बन चुका है।